गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, योर FA1 सिलेबस इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस इज फ्रॉम द फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट। द चैप्टर इज अ लेटर टू गॉड दैट इज रिटन बाय G.L. Fuentes। Students, today I will explain this chapter and will give you a passage related to letter to God. You have to answer from the passage. It means you have to do work comprehension type question. So students, let us explain the chapter. The students who have not purchased your books, purchase it as soon as possible, otherwise it will be difficult to understand the story of chapter. This is very crucial for your class. So students, let us explain the chapter. Students, the chapter is from here, the house, the only one in the entire valley. जो house था लेंचो का, इस chapter में लेंचो एक narrator है, postman है, जो कि लेंचो was a poor farmer who was doing farming and lived in an entire valley in the crest of low hill, and he was in trouble. His crop destroyed due to rain. So students, what he do to survive himself and your family? So let us explain this. The house, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यानी लेंचो का जो घर था पूरी घाटी में अकेला था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, यानी निचली पहाड़ी की ऊपरी चोटी पर स्थित था उसका घर, यानी उसका इकलौता घर निचली पहाड़ी की ऊपरी निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट, यानी जिस हाइट पर उसका घर था, वन कुड सी द रिवर, कोई भी रिवर साइड को देख सकता है, एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप कॉर्न यानी अनाज से पकी हुई फील्ड को देख सकता है, डॉटेड विद द फ्लावर, फूलों से लदी हुई फसल को देख सकता है, एंड दैट वॉज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, फसल देख करके ऐसा लगता था कि इस बार फसल अच्छी होगी, अनाज अच्छा होगा। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, लेकिन लेंचो की खेत को सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, वो भी थी डाउनपोर, यानी हल्की बारिश, शावर की ज़रूरत थी, और एटलीस्ट अ शावर थ्रू आउट द मॉर्निंग। मॉर्निंग पर लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इमिडिएटली, लेंचो जैसा कि अपनी फील्ड के बारे में, अपने खेतों के बारे में जानता था, सुबह सुबह ही हैड जानता था, फिर भी वो कुछ कर नहीं सकता था। ही हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की ओर देख करके, स्काई की ओर देख करके वो केवल प्रेडिक्शन ही कर सकता था, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं था, क्योंकि आज की जैसे तरीके उस समय साधन नहीं थे, ट्यूबवेल या पानी का कोई साधन नहीं था, केवल बारिश का ही साधन था। सो स्टूडेंट्स, आगे क्या होता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वोमेन वो अपनी पत्नी से कहता है लेंचो कि अब तो ऐसा लगता है कि कुछ पानी हो जाना चाहिए। द वोमेन हु आज प्रिपेयरिंग सफ़र, उसकी पत्नी जो शाम को खाना बना रही थी, सफ़र का मतलब होता है डिनर, रिप्लाइड उत्तर देती है, यस गॉड विलिंग, उसने कहा अगर भगवान की इच्छा हुई तो बारिश हो जाएगी। द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे खेतों में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग, जो छोटे बच्चे थे वो खेल रहे थे नियर द हाउस, अंटिल द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल, घर के पास छोटे बच्चे खेल रहे थे, लेंचो की पत्नी ने सबको
बुलाया। कम फॉर डिनर किस लिए बुलाया, कि सब लोग खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, यानी खाना खाने का ही टाइम था। जस्ट एज, तभी क्या होता है, जस्ट एज लेंचो हैज प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट की थी, भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी बारिश के बड़े बड़े बूंद गिरने लगे। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट से बड़े बड़े माउंटेन आते हुए दिखाई दिए। द एयर वॉज फ्रेश, हवा बिल्कुल फ्रेश थी, एंड स्वीट, हवा बिल्कुल फ्रेश चल रही थी। स्वीट का मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, जो उसका हस्बैंड था वो घर से बाहर की ओर गया, उसका कोई दूसरा रीजन नहीं था। टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपनी बॉडी पर रेन को फील करने के लिए गया, उनको अच्छा लग रहा था इसलिए वो बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सप्लेन्ड, जैसे ही पानी की बूंदों को अपनी बॉडी में, उसकी बॉडी में पड़ी और वो अंदर आया, एक्सप्लेन करता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, स्काई से जो पानी के बूंद गिर रहे हैं ये कोई पानी के बूंद नहीं है, दे आर न्यू क्वाइंस, ये न्यू क्वाइंस हैं, नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़े ड्रॉप हैं 10 सेंट्स के पीसेस हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे छोटे बूंद गिर रहे हैं वो 5 सेंट्स पीसेस हैं, यानी वो कोई पैसा नहीं गिर रहा था, यानी पानी गिर रहा था, पानी की ज़रूरत थी लेंचो की फील्ड को, इसलिए लेंचो ने खुश होकर के ऐसा कहा है कि वो 10 सेंट्स और 5 सेंट्स के सिक्के गिर रहे हैं, कोई सिक्के नहीं थे, पानी की बूंदें थी। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन है, बड़ा ही संतुष्ट होकर के उसने फील्ड की ओर देखा। राइप कॉर्न विद फ्लावर ड्रॉप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, जहाँ पर पानी के बूंदें गिर रही थी उसकी फील्ड में। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो अलोंग विद द रेन, पानी के साथ ही तेज हवा आ गई। वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, और बड़े बड़े से ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, ऐसा लग रहा था कि जैसे सिल्वर क्वाइंस, नए नए सिल्वर के क्वाइंस इकट्ठे हो गए। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, बारिश में उन्हीं हेल स्टोन को, यानी जो पत्थर होते हैं, ओले होते हैं, उनको एक्सपोज कर रहे थे, उठा रहे थे। रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, उन्हें फ्रोजन पल्स को उठा रहे थे दौड़ दौड़ करके। इट इज रेलिंग गेटिंग बैड नाउ एक्सप्लेन द मैन, यानी लेंचो ने दुखी होकर के कहा ये तो अब बिल्कुल गलत हो रहा, वास्तव में अब बहुत गलत हो रहा। आई होप इट पासिस क्विकली, मेरी तो यही उम्मीद है, मेरी यही आशा है कि जल्दी से ओले गिरना बंद हो जाए, निकल जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ओले गिरना बंद नहीं हुए। फॉर एन आर द हेल रेन ऑन द हाउस, आधे घंटे तक ओले गिरते रहे घर में। द गार्डन में गिरते रहे, हिल साइड कॉर्न फील्ड ऑन द होल वैली, यहाँ तक कि पूरी वैली पर गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, जो फील्ड थी पूरी वाइट हो गई। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, और ऐसा लग रहा था जैसे कि सॉल्ट से, नमक से ढक दी गई हो, यानी इस तरह से ओले गिरे। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरा जो अनाज था लेंचो का डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट से फ्लावर तक जा चुके थे। लेंचो सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस, लेंचो दुखी हो गया। वेन द स्टॉर्म हैड पास, जैसे ही तूफान बंद हुआ। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो अपने खेतों के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेट टू हिज सन, और अपने बच्चों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी जो टिड्डियों का दल होता है, कीड़े जो होते हैं वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देते हैं। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। कहने का मतलब, अगर फसल में कीड़ा भी लग जाता है तो वो भी कुछ ना कुछ छोड़ देता है, लेकिन इस कदर वो ओले गिरे कि फसल में कुछ भी नहीं बचा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई भी अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, ये सोचकर
वो रात लेंचों के लिए बड़ी शारोफुल थी, बड़ी दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, उसने यही सोचा कि जितनी भी मेरी मैंने मेहनत की सब बर्बाद हो गई। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके, क्योंकि पूरी घाटी में केवल उसी का घर था। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और ये कहता है कि इस सोचता है कि मुझे इस साल भूखा ही रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, लेकिन जितने भी उस घर में रहते थे सबके हार्ट में केवल एक ही उम्मीद थी। इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, सबके दिमाग में केवल एक ही विचार था कि भगवान ही सहायता कर सकते हैं, भगवान ही जाने क्या करेंगे। डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाई ऑफ हंगर, सोचता है कि बिल्कुल अपसेट मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, पूरा नुकसान हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है, याद रखो नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। यानी लेंचो ऐसा सोच रहा है कि भगवान अगर किसी को भूखा सुलाते नहीं है। डाइट्स वार्ड दे से, अब वो क्या कह सकता है, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल दो ऑल द नाइट लेंचो थॉट ओनली वन हिज ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो एक ही बात सोचता रहा, एक ही उम्मीद थी उसको, द हेल्प ऑफ गॉड, कि वो में उसे भगवान से ही सहायता मिल सकती है और कोई हेल्प करने वाला नहीं है। हूज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसकी आंखें तो ऐसे ही दिख रही थी, सी एवरीथिंग, सब कुछ देख रही हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, उसकी आंखें सब कुछ देख रही थी लेकिन वो कॉन्शियस थी, यानी बेहोशी जैसी थी, देख सब कुछ रही थी लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं था, इनर सेंस जो था सही गलत का वो कुछ भी नहीं था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, इस लाइन का मतलब देखो, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो एक इंसान होते हुए भी जानवर था, क्यों, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, क्योंकि वो खेतों पर जानवरों की तरह मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो फिर भी जानता था किस तरह से लिखा जाता है, यानी लेंचो एक किसान था, खेतों में काम करता था जानवरों की तरह, लेकिन फिर भी लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले संडे को वो सुबह जल्दी उठेगा। ही बिगैन टू राइट अ लेटर, एक लेटर लिखा उसने, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, वो कैरी लेकर के जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल कर देगा, यानी उस लेटर बॉक्स में अपना लेटर डाल देगा। इट वॉज नथिंग एल्स नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, जो लेटर लिखा वो भगवान के लिए लेटर था, भगवान के लेटर से कम नहीं था। क्या लिखा उसने, गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, भगवान अगर आप हमारी सहायता नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखा रहेगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है मेरी खेती को फिर से बोने के लिए। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम, और तब तक जीवित रहने के लिए जब तक कि फसल नहीं आ जाती, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, आगे बात कहने का मतलब ये है क्योंकि ओलों ने तो सब कुछ नष्ट कर दिया। ही रोड टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने लिफाफे पर लिख दिया टू गॉड, यानी जैसे हम लोग लिफाफर पर अपने रिश्तेदारों का या जहाँ लेटर सेंड करना होता है उसका एड्रेस डालते हैं, तो लेंचो ने ही लिख दिया टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को उसी के अंदर रख दिया। स्टेट ट्रबल वेंट टू टाउन, और खुद प्रॉब्लम करके टाउन गया। एट द पोस्ट ऑफिस गया। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, लेटर पे एक स्टैम्प लगाया, एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स पर डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प इन द पोस्ट ऑफिस के एक एम्प्लॉयज ने, जो कि एक पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हर्टली, खुशी से हंसते हुए, एंड शोइंग हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान वाला लेटर उसे दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसके पोस्टमैन के पूरे करियर में इस तरह का लेटर उसे कभी भी नहीं मिला। द पोस्टमास्टर अ फाइट एमिएबल फेलो, जिस पोस्टमास्टर को पोस्टमैन ने दिखाया वो एक एमिएबल फेलो था, फाइट था यानी मोटा था, उसका जो फिजिकल अपेयरेंस था वो मोटा था और एमिएबल था यानी मित्रवत व्यवहार करने वाला इंसान था।
आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन वो सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर लेटर रख करके उसको टैपिंग किया, थपथपाया, कमेंटेड और कहा, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, काश मेरा भी विश्वास इसी तरह होता जितना इस लेटर लिखने वाले व्यक्ति को है, स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंट विद गॉड, मैं भी भगवान के साथ करेस्पॉन्डेंस करता, पत्र व्यवहार करता। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, भगवान के प्रति उसका विश्वास ना कम हो, इसके लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि इस लेटर का आंसर दिया जाए। बट वेन ही ओपेंड इट, जैसे उसने लेटर को खोला, इट वॉज इविडेंट, उससे स्पष्ट हो गया कि टू आंसर इट द आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, गुडविल के अलावा भी उसे और भी चीज़ों की ज़रूरत थी, इंक एंड पेपर, इंक और पेपर की भी ज़रूरत थी, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, उसके दिमाग में इसका रेजोल्यूशन आया, ही आस्क फॉर मनी फॉर हिज एम्प्लॉयज, ने अपने सारे एम्प्लॉयज से पैसे मांगे, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी से उसने भी कुछ पार्ट दिया, एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक्ट ऑफ चैरिटी यानी दया के दान के काम के लिए अपने फ्रेंड्स लोगों से भी लिया, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 pesos, 100 pesos कलेक्ट करना उसके लिए इम्पॉसिबल हो गया, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से कुछ ज़्यादा ही पैसा उसे भेज पाया, ही पुट द मनी इन एन एनवलप, एक एनवलप पे उसने पैसे रखे, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का उसने एड्रेस दिया डाला, एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड में उसने साइन कर दिए, सिग्नेचर एज गॉड, गॉड जैसे सिग्नेचर कर दिए, गॉड लिख दिया, यानी ऐसे लेंचो को लगे कि भगवान ने ही उसके लिए मदद की है, भगवान ने ही उसके लिए पैसा भेजा है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, अगले संडे को लेंचो पोस्ट ऑफिस पे थोड़ा सा टाइम से आ गया, जल्दी आ गया पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वो पोस्टमैन खुद था हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने लैंडर उसे लेटर दिया, वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जो पोस्ट मास्टर था वो अपनी ऑफिस से लेंचो को देख रहा था, उसके विश्वास को देख रहा था, उसकी संतुष्टि को देख रहा था कि किस तरह से ये व्यक्ति आया हुआ है, लेंचो शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने जैसे लेटर में पैसे देखे उसे जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा लगता था लेंचो का कॉन्फिडेंस है कि पैसा जरूर आएगा, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, जैसे ही उसने पैसा गिना वो नाराज हो गया, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, इतना विश्वास था तो उसने कहा कि नहीं भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड डिमांड रिक्वेस्टेड, जैसा कि लेंचो ने रिक्वेस्ट की थी भगवान देने से मना भी नहीं कर सकते, इमीडिएटली लेंचो वेंट टू द विंडो टू द आस फॉर पेपर एंडिंग, लेंचो तुरंत खड़ा हुआ पेपर और इंक के लिए पोस्ट ऑफिस की विंडो पर गया, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट व्हाट मच रिंकलिंग इन हिज ब्रो, अपनी आईब्रो पर उतार चढ़ाव करते हुए यानी एक्सप्रेस करते हुए उसने लेटर लिखना फिर प्रारंभ किया, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस इन हिज आइडियाज, जैसे वो अपने आइडियाज एक्सप्रेस करता था उसकी जो आईब्रो थी उसमें एक्सप्रेशन आता था, व्हेन ही फिनिश जैसे ही लेटर उसने फिनिश किया ही वेंट टू द विंडो, विंडो के पास गया टू बाई अ स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड एंड देन एफिक्स टू द एनवेलप, उसने जो स्टैम्प खरीदी उसको थूक से ही लिख किया यानी चाट लिया स्टैम्प को, और चाटने के बाद उसे एनवेलप पर फिक्स कर दिया, द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ फिस्ट, अपनी मुट्ठी से उसको दबा दिया, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और लेटर को मेल बॉक्स पर डाल दिया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, उसके जाने के बाद पोस्ट मास्टर ने लेटर को खोला, इट सेड उस लेटर में कहा गया था गार्ड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, जो पैसा हमने आपसे मांगा था
ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल 70 पैसे ही हमें मिले हुए हैं, सेंड मी रेस्ट, मुझे बाकी पैसा भी भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि हमें उन पैसों की बहुत ज़रूरत है, बट कुड नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन ये पैसे मेल के माध्यम से मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो, और अपना साइन कर दिया, लिखा क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सब बेईमान हैं, यानी बेईमानों का एक ग्रुप है, उनमें आप बिल्कुल भी पैसा मत भेजना, जो 30 पैसे कम मिले हैं ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने ही निकाल लिए, यानी इतना भगवान पर विश्वास था। स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हुआ। कंप्रेहेंशन बेस्ड क्वेश्चन इसमें डाल दिए जाएंगे, आपको उनके आंसर करना है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप हमारे पर्सनल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ यू।